Hi everyone, welcome to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make English lesson plan in B.Ed final year. So guys, आज का हमारा topic है noun. आज हम noun पर ये video cover कर रहे हैं. I hope कि आपके लिए ये video काफी helpful होगी. Guys, आप ये जो lesson plan है ये 6th, 7th, 8th में पढ़ा सकते हैं और अगर आपको कोई भी difficulty हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं. तो चलिए start करते हैं हमारा आज का ये video. सबसे पहले यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे. आप जिस भी क्लास में पढ़ा रहे होंगे इस अपने टॉपिक को आप क्लास लिखेंगे. इसके बाद आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप लिखेंगे. फिर आपका पीरियड और कालांश, आप ही क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे. देन आपका आता है आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका होगा इंग्लिश. देन आपका आता है स्कूल, स्कूल में आप लिखेंगे आपकी टीचिंग जो भी स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा. इसके बाद है आपका डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे. देन आता है आपका ड्यूरेशन मीन्स अवधि, आपकी क्लास का ड्यूरेशन जो भी होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे. फिर है आपका प्रकरण और आज का टॉपिक है नाउन. देन आता है आपका आगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, जनरल एम्स क्या होता है, सामान्य उद्देश्य. आज का आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं इसे कहते हैं हम सामान्य उद्देश्य या जनरल एम्स या जनरल ऑब्जेक्टिव्स. तो इसमें देखिए कुछ आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें आप 6 to 7 पॉइंट्स लिख सकते हैं. सो अब हम देखेंगे पॉइंट्स. टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल देम टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर द रूल्स ऑफ ग्रामर टू देयर स्टडी कोर्सेज, टू मेक द स्टूडेंट्स टू इक्विपमेंट विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, to develop their power of logical things, to enable the student to enjoyment through the reading of English. Next है आपका to develop their skills. तो ये हो गए आपके सामान्य उद्देश्य या general objectives. अब हम देखते हैं आगे, आगे है आपका specific objectives. Means आपका जो आज का topic है, क्या है टॉपिक, नाउन. तो नाउन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास करते हैं, उन्हें किन किन चीजों की जानकारी देते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं. टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई नाउन, टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू यूज ऑफ नाउन एंड इट्स वेरियस एग्जाम्पल्स, टू डेवलप दियर इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स. इसके बाद हम देखते हैं सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स क्या होता है, आप जिस वक्त पढ़ा रहे होते हैं आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीजें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीजें आपकी होती हैं टीचिंग एड्स. चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलिंग बोर्ड एक्सेट्रा. आगे है हमारा प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान. प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक देते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं ताकि उन्हें जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक नाउन एंड इट्स टाइप्स. इसके बाद देखिए आगे है आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाए और आगे चल के जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में आपको प्राप्त हो. तो देखिए यहाँ पर कुछ आप क्वेश्चन करेंगे बट सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए ताकि जो आपका लास्ट क्वेश्चन हो वो आपका टॉपिक हो सके. तो देखिए व्हाट इज दिस इन माई हैंड, आप अपने हाथ में एक डस्टर लेंगे और बच्चों से क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज दिस इन माई हैंड, तो बच्चे आंसर करेंगे डस्टर. इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड, तो बच्चे कहेंगे आगरा. ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है. इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा हुज गॉड वॉज बॉर्न इन अयोध्या, तो बच्चे कहेंगे राम या श्री राम. इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा व्हाट आर दीज वर्ड्स डस्टर आगरा एंड राम, तो बच्चे कहेंगे नाउन. इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज नाउन, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे. ये आपका क्वेश्चन आंसर मेथड था, यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे उसका आंसर कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि था. अब हम देखते हैं आगे, आगे है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम्स या टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी या वी शैल स्टडी अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप. आगे हमारा प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप बच्चों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाते हैं इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज,
स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, इवेल्युएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं, बीएड फाइनल ईयर में हैं, तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमेशा उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, खंडों में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स पार्ट्स में, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज राम इन द फर्स्ट सेंटेंस। आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे राम इज माई फ्रेंड, या फिर आप चार्ट पर बनाकर ले जाएंगे अपने कुछ सेंटेंस को, जो आप जो भी आपको इस वक्त दिख रहा है ब्लैक बोर्ड वर्क में, तो आप क्या करेंगे इसको या तो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे या फिर चार्ट में बना के ले जाएंगे, लिख के ले जाएंगे, ताकि बच्चे उसको देख के आंसर कर पाए। तो आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज राम इन दिस सेंटेंस, तो बच्चे कहेंगे राम इज नेम ऑफ दिस सेंटेंस। तो देखिए राम इज नेम ऑफ दिस सेंटेंस। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज अलाहाबाद इन द सेकेंड सेंटेंस, तो आपका सेकेंड सेंटेंस क्या है, अलाहाबाद इज अ बिग सिटी। इसके बाद आपका आंसर क्या आएगा बच्चों से, अलाहाबाद इज द नेम ऑफ सिटी। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज रामायणा इन द थर्ड सेंटेंस, तो आपका थर्ड सेंटेंस क्या है, रामायणा इज अ होली बुक। तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे रामायणा इज द नेम ऑफ बुक। तो पहले सेंटेंस में क्या हुआ, राम इज द नेम ऑफ पर्सन, सेकेंड सेंटेंस में क्या हुआ, अलाहाबाद इज द नेम ऑफ सिटी, थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ, रामायणा इज द नेम ऑफ बुक। अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर दीज वर्ड्स, पर्सन, सिटी, बुक्स एक्सेट्रा, तो बच्चे आंसर करेंगे नाउन। अब आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर कहेंगे इन दीज सेंटेंस देयर आर राम इज अ पर्सन, अलाहाबाद इज अ प्लेस एंड रामायणा इज अ थिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चों को आप एक्सप्लेन कर रहे थे और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे थे। नेक्स्ट आपका आता है टीचिंग पॉइंट थर्ड, इसमें आप डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन में देखिए राम, अलाहाबाद, रामायणा आर द राउंड बिकॉज नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या है, राम इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल देंगे राम, आगरा, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी आप एक्सप्लेनेशन मेथड का प्रयोग कर रहे थे, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद आपका फोर्थ टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ नाउन, आप नाउन के टाइप्स के बारे में बताएंगे। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर भी आप एक्सप्लेनेशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, राम, हिमालय, गंगा एक्सेट्रा। आप एक्सप्लेन करेंगे कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन इज द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे आप एग्जाम्पल बताएंगे गर्ल्स, बॉयज, डॉक्टर एक्सेट्रा। इसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आप बताएंगे एग्जाम्पल टीम, फैमिली, बंच ऑफ क्रैब्स एक्सेट्रा। इसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन होगा मटेरियल नाउन का, आप मटेरियल नाउन के बारे में बताएंगे, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉफी एक्सेट्रा। इसके बाद आपका लास्ट एक्सप्लेनेशन होगा, डेफिनेशन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। यहाँ पर आप बताएंगे एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी, ओल्ड एक्सेट्रा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड समरी होगा, आप बच्चों को जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे, आप उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड समरी में क्या होगा, स्टूडेंट्स राइट टू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो देख लीजिए इंस्पेक्शन वर्क आप क्या करेंगे, प्यूपल टीचर सीज टू द स्टूडेंट्स कॉपी, स्टूडेंट की कॉपी चेक करेंगे आप कि सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ब्लैकबोर्ड वर्क है, आप इसके टाइप्स बताएंगे, आप इसके एग्जाम्पल बताएंगे, सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे। अब बच्चे वही ब्लैक बोर्ड जो आप कर रहे थे वर्क, अब अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देन आपका आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, आप अब इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को, इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चों को समझ में आया या नहीं। तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में से
अभी तक जितना भी आपने पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे, लाइक व्हाट इज नाउन, एक्सप्लेन अबाउट प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे, और यहाँ पर आपका अब क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। इसके पहले आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज कर रहे थे। तो देखिए ये हो गया आपका। इसके बाद आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य दे देंगे, व्हाट इज नाउन एक्सप्लेन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन एक्सप्लेन, आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे, बच्चे इसको होमवर्क करके आएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से बनाएंगे आप लेसन प्लान। आई होप कि इजी होगा आपके लिए, अंडरस्टूड होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। मैंने आपको लगभग सारी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स प्रोवाइड की हुई है, आई होप कि आप उसे देखे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।